सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन की घंटी है उसको प्रेस कर दीजिए। जब भी मैं नया कुछ वीडियो बनाऊँ नोटिफिकेशन आप लोगों को आ जाए। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन, इधर रेडी है चिकन। मेरे हिसाब से मैंने धो के रखा है, कुछ मसाला ऐड नहीं किया। अभी इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच से भी कम। और इधर डालेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच जितना, और एक दो डेढ़ चम्मच जितना दही मैंने ऐसे ही डाल रही हूँ। आप चाहिए तो थोड़ा सा चम्मच से करके भी डाल सकते हो। अभी इसको मिक्स करके रखते हैं। इस चिकन इधर मैरिनेट करके रखा है, और इधर मसाला मैंने रेडी कर लिया। दो मीडियम साइज का प्याज लिया, इधर रेड बेल पेपर, ग्रीन और येलो, तीनों कलर का शिमला मिर्च मैंने काट लिया। कढ़ाई इधर गरम मैंने रख दिया, चढ़ा दिया। अभी इसमें डाल देंगे तेल, अभी इसमें प्याज डाल देंगे, अभी इसमें चिकन डाल देंगे, क्योंकि ये जो प्याज है ना ये चिकन के साथ ही अच्छे से कर लेंगे। अभी जो चिकन है वो मैं इसमें डाल देंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा अदरक और लहसुन अठहरी मैंने पहले बोला उसे डाल के रखा। अभी इसको अच्छे से गैस को बढ़ा देंगे, अच्छे से एक से दो मिनट के लिए इसको भूनेंगे। हल्दी ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे जस्ट चिकन का, आधा चम्मच से भी कम कलर चेंज होने के लिए। अभी इसमें डालेंगे एक चम्मच भर के धनिया जीरा पाउडर। अभी इसमें डालेंगे आधा चम्मच इतना मिर्ची पाउडर। इसमें मैं हरी मिर्ची यूज़ करूँगी इसीलिए मैंने थोड़ा सा ही डाला। पहले इसको अच्छे से 5-7 मिनट के लिए चिकन को ढक के पका लेंगे अच्छे से। गैस को मैंने स्लो ही रखा है। अभी इसको अच्छे से होने लेते 5-7 मिनट, फिर लास्ट में मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो आप इसको ढक देंगे, चिकन का कितना रेडी हुआ है देखिए। तेल अच्छे से ऊपर आ गया, चिकन भी अच्छे से भून रहा है। अभी इसमें डालेंगे थोड़ी सी अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच जितना, ज़्यादा नहीं क्योंकि चिकन की क्वांटिटी कम है इसीलिए। ये हो गया, इसमें मसाला ऐड करने जैसा कुछ भी नहीं है। देखिए तेल अच्छे से बाहर आ गया, इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको ढक देते 3-4 मिनट के लिए। चिकन देखिए, हम चिकन देखते हैं क्या हाल है। चिकन हो गया अच्छे से। अभी इसमें सब्जी जो काट के रखा ना, चिकन देखिए इस तरह से हो गया है। अभी इसमें डाल देंगे जो रेड और ग्रीन और येलो कैप्सिकम काट के रखा वो सब। एक तरफ से फ्राई बोल सकते हैं, लेकिन ये ना खाने में बहुत टेस्टी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसके साथ इस तरह से शिमला मिर्च भी हो गया अच्छे से। इससे ज़्यादा इसको कुक नहीं करेंगे। आज मैंने देखा ज़्यादा मिर्ची पाउडर या कुछ भी ऐड नहीं किया, तो अभी इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा बटर, एकदम थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, मैंने कुछ मसाला यूज़ नहीं किया ज़्यादा, मतलब मिर्ची पाउडर या हरी मिर्ची कुछ भी, तो इसीलिए अभी इसमें डाल दिया। ये अच्छे से अभी मिक्स कर दिया, नमक मैंने चेक कर लिया। अभी इसको ढक के रखेंगे 2 मिनट के लिए, तो ये अच्छे से कुक हो जाएगा जो भी है। इससे ज़्यादा इसको पकाने का नहीं है, इसको ढक देते हैं। चिकन एकदम रेडी है जैसा कि आप लोगों ने देखा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमारा डेली ब्लॉग्स भी तनिमा देखते रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, उसके साइड में जो बेल आइकन का घंटी है उसको प्रेस करके रखिए। जब भी मैं नया कुछ वीडियो बनाऊँ नोटिफिकेशन आप लोगों को आ जाए।
तो आज के लिए बाय, फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ। गुड नाइट।